आपका ध्यान चाहूंगा कि कुछ हकीकत में तो कुछ कर बस बातें रह जाते हैं, कुछ हकीकत में तो कुछ कर बस बातें रह जाते हैं, पैसों की चाह में लोग उम्र के आधे रह जाते हैं। कुछ हकीकत में तो कुछ कर बस बातें रह जाते हैं, पैसों की चाह में लोग उम्र के आधे रह जाते हैं। किसी को दिखाए सपनों को यूं तोड़ मत देना, किसी को दिखाए सपनों को यूं तोड़ मत देना, क्योंकि लोग रहे ना रहे वादे रह जाते हैं। मैं आज इश्क मोहब्बत की बहुत बातें हो रही थी, सबने अपने अपनी मोहब्बत पे सुनाया, मैं अपनी मोहब्बत पे सुनाऊंगा। सबकी पहली मोहब्बत होती है, मेरी पहली मोहब्बत मेरी माँ है। आशीष चाहूंगा आपका, हमारे कुलवे के एक बड़े कवि मुन्नवर राणा साहब का शेर है कि तुम्हारे जाने के उम्र भर खाली हमने यूं ही मका रहने दिया, उम्र भर खाली हमने यूं ही मका रहने दिया, तुम्हारे जाने के बाद किसको यहाँ रहने दिया, उम्र भर खाली हमने यूं ही मका रहने दिया, तुम्हारे बाद भला किसको यहाँ रहने दिया। कल सब फाड़ दी चाहतों की सब किताबें मैंने, कल सब फाड़ दी सब किताबें चाहतों की मैंने, बस एक कागज पर लिखा शब्द माँ रहने दिया। तो आपकी तालियों के बीच में अपनी कविता सुनाना चाहता हूँ। उससे पहले एक चार पंक्तियाँ माँ पे किसी बड़े कवि ने लिखी थी, कवि का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन माँ के बारे में तो माँ की उपमा लिखी थी उसमें कि माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी दुर्गा अनुसुईया मरियम सीता है, माँ सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा मरी अनुसुईया मरियम सीता है, माँ मानवता में रामचरित मानस है भगवद गीता है। तो इस माता की जो हमारे जीवन में देन, हमारे जीवन में जो माँ की इम्पोर्टेंस होती है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है, प्लस हम माँ से क्या सीखते हैं, बदले में माँ को हम क्या देते हैं, तीन अंतरे मेरे कविता के हैं। आपका आशीष चाहूँगा, इस उड़ान परिवार का सबसे छोटा सदस्य आपके बीच प्रस्तुति कर रहा है, आशीष रहे आपका। सवाल है जो दुनिया वालों से आप आसपास देखते होंगे कि तूने माँ की कभी ना मानी, तूने माँ की कभी ना मानी, बेटा तेरी माने क्यों, तूने उनकी पीड़ा न जानी, बेटा तेरी जाने क्यों। सवाल है कि तूने माँ की कभी ना मानी, बेटा तेरी माने क्यों, तूने उनकी पीड़ा न जानी, बेटा तेरी जाने क्यों। अब माँ की इंपॉर्टेंस देखना आप, कि जिनकी उंगली पकड़ चला तू जिनकी छाँव में बड़ा हुआ, जिनकी उंगली पकड़ चला तू जिनकी छाँव में बड़ा हुआ, उनको ही तू आंख दिखाए उनके विरुद्ध ही खड़ा हुआ। कि जिनकी उंगली पकड़ चला तू जिनकी छाँव में बड़ा हुआ, उनको ही तू आंख दिखाए उनके विरुद्ध ही खड़ा हुआ। जो दुनिया को तू देगा, जो दुनिया को तू देगा वही वापस तुझको आएगा, ये बात जानते सभी है लेकिन सभी बने अनजाने क्यों, तूने माँ की कभी ना मानी बेटा तेरी माने क्यों। दूसरा अंतरा कि माँ ने आपको क्या सिखाया है, आप जो ये देख रहे हैं मॉल देख रहे हैं माइक देख रहे हैं, ये पहचान किसने करवाई, कैसे थे, माँ ने करवाई कि तेरे पास जो भी खुशियाँ हैं, तेरे पास जो भी खुशियाँ हैं वो माँ ही लेकर आई थी, तेरे पास जो भी खुशियां हैं वो माँ ही लेकर आई थी, जब तू कुछ भी था नहीं जानता माँ ने हर बात सिखाई थी। तेरे पास जो भी खुशियां हैं वो माँ ही लेकर आई थी, जब तू कुछ भी था नहीं जानता माँ ने हर बात सिखाई थी। पत्नी पर लाखों खर्चे तू, खर्चों कोई मना नहीं करता कि पत्नी पर लाखों खर्चे तू, तो माँ के कपड़े पुराने क्यों, तूने माँ की कभी ना मानी बेटा तेरी मानी, तूने उनकी पीड़ा न जानी बेटा तेरी जाने क्यों। जब आपकी शादी हो जाती है, शादी मैं किसी को इंगित नहीं कर रहा हूँ, जैसा अखबारों में पढ़ते हैं वैसा आपके सामने बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, कि जब आपकी शादी हो जाती है उसके बाद ये होता है, और जब आपकी आपकी संतान होती है, अब उस संतान के बिना आप नहीं रह पाते, तो अब उस पर मैंने विचार प्रस्तुत किए हैं। सरल भाई आपका ध्यान चाहूँगा कि तेरे बेटे के बिना कभी तू एक पल नहीं रह पाता है, तेरे बेटे के बिना कभी तू एक पल नहीं रह पाता है, पर तेरी बूढ़ी माँ कैसी ये ख्याल तुझे ना आता है। तेरे बेटे के बिना कभी तू एक पल नहीं रह पाता है, तेरी बूढ़ी माँ कैसी है ये ख्याल तुझे ना आता है। जब तेरा बेटा बड़ा होकर, जब तेरा बेटा बड़ा होकर तुझे साथ नहीं रख पाएगा, तब तुझे माँ की याद सताए और तू बड़ा पछताएगा। और क्या सोचोगे उस टाइम, जब तेरा बेटा बड़ा होकर तुझे साथ नहीं रख पाएगा, तब तुझे माँ की याद सताए और तू बड़ा पछताएगा, और सोचेगा कि माँ की सेवा कर लेता, माँ की सेवा कर लेता, तो यूं दर दर हाथ फैलाने क्यों, तूने माँ की कभी ना मानी बेटा तेरी माने क्यों, तूने उनकी पीड़ा न जानी बेटा तेरी जाने क्यों। सादर धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।